Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new on my YouTube channel, my name is Pooja. In this video, I'm going to talk and review about a retinol serum. आज मैं एक ऐसे retinol face serum का review करने वाली हूँ जो आपके skin से fine lines, wrinkles को दूर करेगा और आपके एंटी एजिंग प्रोसेस को कम करेगा। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी वो है फॉक्सटेल का रेटिनॉल लाइट सीरम। ये आपके स्किन से जितना भी फाइन लाइन है, रिंकल्स है, उसे रिड्यूस करेगा एंड आपकी स्किन को टाइट और फर्म बनाने में हेल्प करेगा। साथ ही इस फेस सीरम का रिव्यू करने के साथ साथ मैं इस वीडियो में ये भी शेयर करूंगी रेटिनॉल को यूज करने का सही तरीका क्या है और रेटिनॉल कब कब यूज किया जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों में रेटिनॉल यूज करने का कंफ्यूजन है। सही तरीका अगर पता होगा आपको तो कोई ब्रेकआउट भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में ये भी शेयर करूंगी कैसे यूज किया जाएगा, रेटिनॉल कब यूज करना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, सारी डिटेल जो भी कंफ्यूजन है अबाउट रेटिनॉल फेस सीरम की वो भी इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस फेस सीरम का रिव्यू करूंगी कैसा है, किस तरह से स्किन पे वर्क करता है और क्या क्या क्लेम कर रहा है ये ब्रांड की, किस तरह से आपकी स्किन को टाइट और फाइन लाइंस, रिंकल्स दूर करने में हेल्प करेगा। सारी डिटेल में इस फेस सीरम के बारे में डिटेल में बात करूंगी। वीडियो में बने रहिए एंड तक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इन द फ्यूचर इसी तरह की ढेर सारी वीडियो अगर आप देखना पसंद करें तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करें। पैकिंग आप देख सकते हो, इनर पैकिंग कुछ इस तरह की है। इट कम्स इन पंप भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ट्रेवल फ्रेंडली है, लीकिंग वगैरह नहीं होगी। और ये आप देख रहे छोटा सा कैप, ये इसको लॉक करने का है। जब आप इसे ओपन करोगे देन पंप को प्रेस करके आप अमाउंट ले सकते हो। आपको क्वांटिटी मिलती है 30 ml की। एमआरपी ऑफ दिस फेस सीरम इज 599 rupees। तो आई विल प्रोवाइड अ परचेज लिंक ऑफ दिस सीरम इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ ही अगर आपको पता होगा, मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो, कि फॉक्सटेल से ब्रांड से अगर आप कुछ भी कभी भी कुछ भी परचेज करते हो तो यू कैन यूज माई कूपन कोड एंड यू विल गेट अ 15% डिस्काउंट। सो माई कूपन कोड इज पूजा यादव विदाउट एनी स्पेस एंड कैपिटल लेटर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इस फेस सीरम का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इवन कूपन कोड भी। अगर आपको परचेज करना हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज करके परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज अ रेटिनॉल, रेटिनॉल होता क्या है। रेटिनॉल बेसिकली हमारी स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में हेल्प करता है। साथ ही हमारी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, अपनी स्किन को ग्लोई और एनहेंस फॉर्म बनाने में हेल्प करता है। अब बात करें रेटिनॉल होता क्या है, जैसे मैंने बताया एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में, फाइन लाइंस, रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। अगर आपकी एज अबव 20 है, 25 है, तो अगर आप सोचते हैं मुझे यूज करना चाहिए नहीं चाहिए, पहले मैं इस पे जाने से पहले मैं आपके संग ये शेयर करना चाहूंगी, अगर आप अबव 30 हो, मतलब इन 30s में हो या 40s में हो, तो डेफिनेटली यू कैन यूज अ रेटिनॉल फेस सीरम एंड यू हैव टू स्टार्ट दिस सीरम रेटिनॉल। अगर आपकी एज अबव 20 है, 25 है, अगर आप सोचते हो मुझे रेटिनॉल यूज करना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज इट इन अल्टरनेट डेज, लाइक यू कैन यूज 1 or 2 times इन अ वीक। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप फेस रेटिनॉल में नए हो, न्यू हो, तो आप डेली यूज ना करें रेटिनॉल को। हमेशा स्टार्टिंग में वीक में 1 to 2 times ही स्टार्ट करना चाहिए। लाइक आप चाहो तो वीक में 1 यूज कर सकते हो, चाहो तो वीक में 2 यूज कर सकते हो। जब आप इसे कंटिन्यू रखोगे और आपको लगेगा इसे यूज, मतलब आपको अच्छे से सूट कर रहा है, देन यू कैन यूज डेली बेसिस। बहुत सारे फेस सीरम रेटिनॉल के ऐसे आते हैं जो वीक में 1 यूज किया जाता है, बहुत सारे ऐसे आते हैं वीक में 2 to 3 times यूज किया जाता है। ये कब यूज किया जाएगा मैं आगे आपके साथ शेयर करूँ। टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर इज वेरी वेरी लाइट वेट एंड इट हैज नो फ्रेग्रेंस। इसमें किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं है। टेक्सचर दिखने में थोड़ा सा क्रीमी काइंड ऑफ है बट वेरी वेरी लाइट वेट। आफ्टर अप्लाई आपको कोई चिपचिपा फीलिंग नहीं होती है, आपका स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करता है एंड इट हैज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट। इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। आफ्टर अप्लाई दिस सीरम आपको स्किन बिल्कुल भी चिपचिपा तो फील होगा ही नहीं, बट एट द सेम टाइम आपका स्किन मॉइस्चराइज एंड हेल्दी भी रहेगा। एंड दिस फेस सीरम फाइट साइंस ऑफ एजिंग 2 times faster। ऐसा ब्रांड ने क्लेम किया है कि जो फेस सीरम है 2 times फाइट करेगा आपकी एंटी एजिंग प्रोसेस से। मतलब अदर फेस सीरम के कंपैरिजन ये 2 times fast है एंटी एजिंग प्रोसेस को कम करने। एंड दिस फेस सीरम इज रिड्यूस योर अपीयरेंस ऑफ ओपन पोर्स। ये फेस सीरम अगर आपके ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले मुझे कोई पूछ रहा था कि मेरे ओपन पोर्स से मैं क्या यूज करूं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस फेस सीरम को आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी एज अबव 25 या उससे अबव है तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही यूज करना है। एंड दिस फेस सीरम ब्राइट एंड रेडियंट योर स्किन टोन। ये आपके स्किन टोन को भी ब्राइट और रेडियंट बनाने में हेल्प करे। फेस सीरम आपकी स्किन को टाइट करने में एंड फर्म बनाने में हेल्प करे।
एंड इट स्मूदिंग ऑफ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, मतलब फाइन लाइंस रिंकल्स होते हैं उनको स्मूथ कर देगा, बिकॉज कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता है कि आपके फाइन लाइंस रिंकल्स को बिल्कुल 100% दूर करते हैं, बट ये क्या आता है उसके प्रोसेस को कम कर देते हैं ये रेटिनॉल सीरम। तो ये रेटिनॉल सीरम क्या करेगा, आपके फाइन लाइंस रिंकल्स को स्मूथ करने में हेल्प करेगा। दिस फेस सीरम इज वेगन, ग्लूटेन फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री एंड इट हैज डर्मेटोलॉजी टेस्टेड, तो ये पूरी तरह से सेफ है, आप आराम से यूज कर सकते हो। एंड दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ऐसा ब्रांड ने साफ साफ लिखा भी है कि ये ऑल स्किन टाइप्स है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है, नॉर्मल है, ड्राई है, आप आराम से यूज कर सकते हो। बट हाइपर सेंसिटिव के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ पेस्ट टेस्ट जरूरी है, और रेटिनॉल सीरम को हमेशा ध्यान रखें नाइट में ही यूज करना है। कभी भी रेटिनॉल प्रोडक्ट को, भले वो सीरम है या मॉइस्चराइजर है, कभी डे टाइम में यूज नहीं करना है। तो इस फेस सीरम को भी आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट में यूज करना है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल, इसके अंदर है एलाइंटोइन, और जिसका लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है पल्माइटोई ग्लाइकाइन। मैं आपको साइड में दिखा दूंगी, आप इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, आप देख सकते हैं साइड में मैंने इंग्रेडिएंट लगा दिए, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है एनकैप्सुलेट रेटिनॉल, जो क्या करेगा, ट्रीट करेगा आपके साइंस ऑफ एजिंग को 2 times कम करने में। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर किया कि ये सीरम क्या करेगा, आपके 2 times फास्ट तरीके से आपके स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स और एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में हेल्प करेगा। एंड इट हैज एलाइंटोइन विच हैज मॉइस्चराइजिंग एजेंट देन विच मेक्स योर स्किन सूद एंड हेल्पिंग डेड स्किन सेल्स। मतलब ये आपकी स्किन को सूद रखेगा, मॉइस्चराइज एजेंट है इसके अंदर, तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा, और इसके साथ ही जितना भी डेड स्किन सेल्स है उसे रिमूव करेगा, तो नए सेल्स आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन ग्लो और हेल्दी बनती है। इसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट है, इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, वो क्या करेगा, पल्माइटोई ग्लाइकिन, कुछ इस तरह से लिखा है, जो हमारी स्किन को ऑक्सीजन एंड प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से हमारा स्किन ग्लो हेल्दी रहेगा। अगर मैं आपको मेंशन करूं कि उन्होंने जो प्रोडक्ट है, बाहर का जो कार्डबोर्ड पैकिंग है, इस पे भी इन्होंने साफ साफ इस तरह से मेंशन किया है, इफ यू कैन विजिबल, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि आप रेटिनॉल फेस सीरम को स्टार्ट कीजिए वीक में 2 times, मतलब वीक में 1 to 2 times ही स्टार्ट करें, भले आप नए हैं रेटिनॉल में प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट में या नहीं है, वीक में 1 to 2 times स्टार्ट करना है, बाद में इसे कंटिन्यू करना है जब आपको लगे सूट कर रहा है। जैसा कि साफ साफ मेंशन है, Twice a week, then you can start out and then increase the frequency as your skin adjust. मतलब आपको स्टार्ट करना है वीक में 1 to 2 times, then आपको देखना है ये सूट कर रहा है, then आप इसकी frequency increase कर सकते हो। Like जैसे आपने start किया वीक में 1 times, then आप बाद में start कर सकते हो वीक में 2 times, ऐसे करते करते आप frequency start कर सकते हो जब तक स्किन में अच्छे से सेटल ना हो जाए। तो आपको कैसे यूज करना है, then you have to apply a pea size amount on your face, neck after cleaning your skin. अच्छी तरह से स्किन क्लीन होना चाहिए आपका रात में, उसके बाद इसको अप्लाई करना है एंड फॉलो विद अ मॉइस्चराइजर, जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो उसके बाद यूज कर सकते हो। द मेन पॉइंट इज कि रेटिनल को कभी भी AHA, BHA और नियासिनामाइड, AHA, BHA, नियासिनामाइड एंड विटामिन सी इसके साथ ऐड ना करें। लाइक इसके बाद कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हो तो विटामिन सी, नियासिनामाइड, AHA, BHA नहीं होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कोई रेटिनॉल क्रीम है आपकी, या हाइड्रोनिक एसिड है, या नॉर्मली कोई ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो आपकी स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज करे, बट AHA, BHA, नियासिनामाइड, विटामिन सी एजेंट को इसके संग ऐड ना करें। यूज करने से, फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आप, उसमें ऐसा मेंशन है कि ये जो आपका बॉटल है 30 ml का, उसे पहले अच्छे से शेक कर लें, उसके बाद ही आपको अमाउंट निकालना है, देन पूरे फेस पे, नेक में अच्छे से अप्लाई करना है। As I told you, the formula is very very lightweight, तो आपको किसी भी तरह का कोई चिपचिपा फील नहीं होगा। इवन मैंने इसे यूज किया है, मेरा ये सेकंड है, तो इवन आफ्टर अप्लाई बहुत सारे रेटिनॉल सीरम के बाद ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, इसके साथ ऐसा मुझे नहीं हुआ। इवन मैंने बहुत सारे इसके रिव्यू देखे हैं, चेकआउट करती रहती हूँ मैं, काफी लोगों ने ऐसा भी लिखा है कि उनको इसके बाद अप्लाई करने से किस तरह का ब्रेकआउट नहीं हुआ। एंड जब जैसे आपने इसे रात में अप्लाई कर लिया, देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे अपने मॉर्निंग का, सनस्क्रीन अवॉइड ना करें। इफ यू वॉन्ट कि आप, क्या होता है कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम जब अपनी स्किन पे लगाते हैं तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी हो जाता है, जिस वजह से आपका सन जो स्किन है डैमेज ना हो हार्मफुल यूवी रेज से और अदर रीजन से। तो जब आप इसे नाइट में अप्लाई करोगे देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे तो सनस्क्रीन स्किप ना करें। फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तब भी आप पूछ सकते हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पता चल गया होगा रेटिनॉल का क्या काम है, कैसे यूज किया जाता है, सही तरीका क्या है। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक रेटिनॉल कोई सीरम यूज नहीं किया है, इफ यू वॉन्ट यूज और आप नए हो, तो आप, मैं कहूंगी आप उसको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, ना समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डेफिनेटली पूछिए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें।
तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।